87 साल के अभिनेता धर्मपाजी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। और इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 60 साल से ज्यादा समय हो गया है और आने वाले समय में ये और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। धर्मपाजी की बात करें तो इन्होंने अपने करियर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया वो वाकई लाजवाब रहा है और यही बड़ी वजह है कि इन्हें फिल्मों में ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अलग ही रुतबा रखने वाले धर्मपाजी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। साथ ही उनके बड़े बेटे सनी देओल का भी एक अलग ही रुतबा हमें फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलता है और उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा रह चुकी हैं। साथ ही इनके छोटे बेटे बॉबी देओल का भी एक अच्छा खासा करियर रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में धर्मपाजी के उस भाई के बारे में बताने वाले हैं जो स्टारडम में धर्मपाजी से भी कहीं आगे था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें गोली मार दी गई थी। अब धर्मपाजी को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके भाई वीरेंद्र सिंह देओल को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इसकी वजह यह है कि बेहद कम उम्र में उनका दुनिया को अलविदा कह देना है। धर्मपाजी की तरह वीरेंद्र भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे और बताया जाता है कि एक ऐसा भी समय था जब उन्हें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था। अपने करियर में वीरेंद्र ने ज्यादातर फिल्मों में काम तो नहीं किया, लेकिन 25 फिल्में उन्होंने बनाई थी और ये सभी की सभी सुपर डुपर हिट भी रही। वह सफल एक्टर होने के साथ साथ सक्सेसफुल निर्माता निर्देशक भी थे। 1988 में वीरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आइए चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल वीरेंद्र सिंह देओल और धर्मेंद्र चचेरे भाई थे, लेकिन दोनों में सगे भाई से भी बढ़कर प्यार था। वीरेंद्र के निधन के दशकों बाद अब उनके बेटे रणदीप ने अपने पिता का पर एक बायोपिक बनाई है जिसमें धर्मेंद्र और उनके बेटे बॉबी देओल ने भी काम किया है। धर्मेंद्र की तरह उनके भाई वीरेंद्र सिंह देओल का भी फिल्म जगत में एक बड़ा बोलबाला था। वे पंजाबी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक थे। 80 के दशक में यह आलम था कि वीरेंद्र सिंह देओल को अपनी फिल्मों में लेने के लिए तमाम निर्माता निर्देशक होड़ में लगे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वीरेंद्र सफलता की ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगे वैसे वैसे उनके कई सारे दुश्मन भी पैदा हो गए। वे सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों में भी हाथ आजमा चुके थे। उन्हें खेल मुकद्दर का और दो चेहरे फिल्म बनाई और ये दोनों ही फिल्में सफल रहीं। इसके बाद वीरेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत भाई धर्मेंद्र के साथ 1975 से की थी। दोनों फिल्म तेरी मेरी एक जिंदगी में नजर आए थे, जहां एक तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र का सिक्का चलने लगा था तो वहीं दूसरी ओर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में वीरेंद्र भी एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। बताया तो ये भी जाता है कि उनकी यही सफलता उनकी ही एक बड़ी दुश्मन बन गई थी। कई लोग उनसे चिढ़ने लगे थे क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत और लगन से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। 6 दिसंबर 1988 को वीरेंद्र सिंह फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग कर रहे थे और शूट के दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहना है कि वीरेंद्र की हत्या आतंकवादियों ने की थी। उस समय पंजाब में आतंकवाद गतिविधियां अपने चरम सीमा पर थी, गोलीबारी की घटनाएं आम सी हुआ करती थी। मना करने के बाद भी वीरेंद्र सिंह शूट पर गए और कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता लग गया है। अब वीरेंद्र देओल की बात करें तो अपने भाई धर्मेंद्र की तरह दिखते थे और यही कारण था कि उन्हें पंजाबी फिल्मों का धर्मेंद्र भी कहा जाता था। वीरेंद्र सिंह अपने भाई धर्मेंद्र के परिवार के बहुत करीबी थे। बॉबी देओल के साथ उनकी एक फोटो भी काफी ज्यादा वायरल होती है, जहां पर आप बॉबी देओल के साथ उनके चाचा को देख सकते हैं। हालांकि वीरेंद्र देओल ने सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा था।